बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड की धर्मनगरी हरिद्वार से। राजस्थान के जालोर स्थित एक स्कूल में दलित समाज के एक बच्चे द्वारा अध्यापक के पानी के घड़े को छूने पर अध्यापक द्वारा दलित समाज के बच्चे की मार मार के हत्या करने को लेकर आज हरिद्वार ज्वालापुर स्थित घास मंडी वाल्मीकि बस्ती के वाल्मीकि समाज के लोगों ने वार्ड उत्थान सेवा समिति के बैनर तले आज कैंडल मार्च निकालकर मृतक बच्चे की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा और शासन प्रशासन के विरोध में नारेबाजी कर अपना आक्रोश व्यक्त किया, जिसमें कि वाल्मीकि समाज के कांग्रेस पार्टी विधायक रवि बहादुर ने कहा कि देश में अनेकों जगहों पर ऐसी घटनाएं आए दिन सोशल मीडिया व मीडिया के माध्यम से देखने को मिलती हैं, जो केवल दलित समाज पर अत्याचार करना और मौत के घाट उतार देना व दलित समाज की बच्चियों के साथ रेप जैसी घटनाओं को अंजाम देना, ये बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय घटनाएं हैं। उपाध्यक्ष विनय गोगलिया ने भी इस घोर निंदीय अपराध के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है कि इस पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए, जिससे कि आए दिन हो रहे दलित समाज पर अत्याचार की रोकथाम हो सके। वार्ड उत्थान सेवा समिति संरक्षक चौधरी अरविंद चंचल ने कहा कि वाल्मीकि समाज उस पीड़ित परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में इंसाफ दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। समाज के जुझारू नेता सुनील राजौर ने भी शासन प्रशासन के खिलाफ इस घटना पर अपना रोष व्यक्त किया। इस मौके पर मुख्य तौर पर मौजूद रहने वालों में शोभा राम गोगलिया, मन्नू सूद, अनिलतेश्वर, प्रेम प्रधान, सत्येंद्र चंचल, अशोक हवलदार, दिनेश कपाड़िया, धनेश छाछर, मयंक सिंह, राकेश खन्ना, कुसुम पाल, आत्मराम, गोविंदेश्वर, लक्ष्मीचंद हवलदार, बॉबी चंचल, अमरीश चंचल, संजीव चंचल, आजाज उस्मान, राशिद नौशाद, नासिर व अन्य युवा भारी संख्या में मौजूद रहे। मेरा नाम अरविंद चंचल, मैं वार्ड उत्थान सेवा समिति का संरक्षक व्यवस्था से हूं और मैं अपने सम्मानित वार्ड उत्थान सेवा समिति के सभी पदाधिकारी और सम्मानित अध्यक्ष अमित मंगोलिया जी, सम्मानित अध्यक्ष महामंत्री सुनील दत्त और कोषाध्यक्ष अमीर देव जी का आज के इस विरोध धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने पूरी तरीके से समाज के लोगों को इकट्ठा किया और आज ये विरोध प्रदर्शन और कैंडल मार्च किया, जिसमें हमारे सम्मानित विधायक भी हमारे मध्य उपस्थित हुए। सम्मानित साथियों, हमारे वार्ड उत्थान सेवा समिति जो हमारी वाल्मीकि बस्ती ज्वालापुर में चल रही है, उसमें उस बच्चे की जो जघन्य मृत्यु एक पानी पीने पे टीचर द्वारा की गई, उसमें हमारा वाल्मीकि बस्ती के युवाओं में बड़ा रोष था और वार्ड उत्थान सेवा समिति जो सामाजिक कार्य कर रही है, उन्होंने उसमें श्रद्धांजलि उस बच्चे को देने के लिए और जिन लोगों ने कृत्य किया उनको जो है कड़ी से कड़ी सजा हो, उसको संदेश उन्होंने जो है कैंडल मार्च के रूप में अपना विरोध प्रदर्शन किया है। और एक छोटी सी घटना पानी को लेकर उसको जो है जीवन समाप्त कर दिया गया पीट पीट के, उसके लिए हमारा पूरे वार्ड उत्थान सेवा समिति का विरोध है। हम पूरे मीडिया के माध्यम से ये अपील करते हैं कि जिन लोगों ने ऐसा कृत्य किया उन्हें सजा मिलनी चाहिए और SC/ST एक्ट में उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उन्हें जो है मृत्युदंड मिलना चाहिए। ये बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि मैं जो है नेशनल TV आपका इंटरव्यू देख रहा था कि वहाँ का एक पत्रकार आप जैसे बंधु और वहाँ घूम रहे थे 4 दिन से, उन्होंने कहा हमने जिन व्यक्तियों से जानकारी की कि उस बच्चा जो घटना हुई है जालोर के अंदर उसका घर कहाँ है, उन्होंने दलित समाज के लिए ऐसे ऐसे अब शब्दों का इस्तेमाल किया, वो ON TV ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा था कि मैं उन शब्दों को इस सामने प्रसारण पर कह भी नहीं सकता। तो अब सोचिए, इतना बड़ा लोकतंत्र है और हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि हम संविधान के रक्षक हैं, लेकिन संविधान में जहाँ समानता का अधिकार मिला उस बच्चे को, पानी पीने का अधिकार है, वहाँ ऐसा दोहन और ऐसा सोहसदन हो रहा है कि उसको मृत्यु दे दी गई है पानी पीने की सजा। मार्च निकाली है ये राजस्थान में एक दलित बच्चे के साथ पानी पीने को लेकर टीचर द्वारा मारपीट की गई है और उस मारपीट में उसकी मौत हुई है, जो कि एक बहुत ही जघन्य अपराध है। अपराध की जो भी सबसे प्रथम दृष्टि होगी ये उसमें आता है कि ये पानी, आज हम चांद सूरज मार्स की बात करते हैं और एक तरफा अगर एक बच्चा जिसको जाति से कोई मतलब ही नहीं है, जिसको ये भी नहीं पता कि वो किस जाति से है, और वो पानी पी रहा है, मटके के हाथ लगा रहा है, तो उसको मार पीट पीट कर उसकी हत्या हो जाती है। तो ये बहुत ही गलत है और
ये एक मानसिकता दर्शाता है कि हम किस समाज में रह रहे हैं। ये क्या वही भारत है जिसकी हम विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, और उसमें एक दलित बच्चे को, छोटे बच्चे को जिसको अपनी बिरादरी का भी पता भी नहीं है, जो इस भारत का भविष्य है, जो स्कूल में पढ़ने जा रहा है, उसको पीट पीट के मार दिया जाता है, तो इससे गलत कुछ हो नहीं सकता। तो आज उसकी आत्मा की शांति के लिए, उसको न्याय दिलाने के लिए आज हम सब लोगों ने यहाँ पे कैंडल मार्च निकाला। इस विषय में अभी तक जैसे सरकार सुनवाई नहीं करी, आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, अगर सरकार दोषियों के साथ है तो वो सरकार फिर बेकार, चाहे फिर वो किसी भी पार्टी की हो। दोषियों की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता और कोई सरकार नहीं होती। अगर वहाँ गलत उस बच्चे के साथ हुआ है तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और हम यहाँ पे भी, उत्तराखंड में भी, अपने हम विपक्षी भूमिका में, हम अपने नेता प्रतिपक्ष से बात करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष से बात करेंगे कि हम वहाँ की सरकार को चेताने के वो काम करेंगे, यहाँ से पत्र भी जारी करेंगे कि एक दलित बच्चे के साथ न्याय होना चाहिए। हरिद्वार से अपडेट मीडिया के लिए रणविजय कुमार की रिपोर्ट। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।